इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले रैनिटी इंजेक्शंस के बारे में। रैनिटी इंजेक्शंस का क्या यूज है, कभी इसको यूज़ किया जाता है, कितने को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, तो रैनिटी इंजेक्शंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए, यहाँ पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं रैनिटी इंजेक्शन, जो कि हमारे पास 2 ml का इंजेक्शन है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास इंजेक्शन है उसकी MRP 5144 यानी कि 5 rupees के इसकी MRP है। रैनिटी इंजेक्शन को टोरेंट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रैनिटी इंजेक्शन के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं रैनिटिनिस हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि रैनिटी इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डालेंगे उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो रैनिटिनिस है वो 25 mg इसके अंदर डाले गए हैं। रैनिटी इंजेक्शन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिसीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज यानी कि एसिड रिफ्लक्स का इलाज करता है और ये ट्रीटमेंट करता है पेप्टिक अल्सर डिसीज का इलाज करता है। रैनिटी इंजेक्शन का इस्तेमाल है जो पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को कम करती है। ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पेट के बहुत अधिक एसिड उत्पन्न करने वाली कुछ स्थितियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं। रैनिटी इंजेक्शन का इस्तेमाल अल्सर, पेट या आंत या अस्तर में घावों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रैनिटी इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट, यानी कि रैनिटी इंजेक्शन के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट ना हो सकता है, आपको हेडेक होना, डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रैनिटी इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देगा, कृपया स्वयं उपयोग ना करें। रैनिटी इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स रैनिटी इंजेक्शन। रैनिटी इंजेक्शन के अंदर हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है जो कि रिड्यूस करता है एसिड को स्टमक में और ये रिलीव करता है एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन और हार्टबर्न में। रैनिटी इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट तो मेरी कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। रैनिटी इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था।